नमस्ते, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि फ्लूट को कैसे होल्ड करना है, कैसे उससे आवाज़ निकलेगी, तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसी में लोग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करके ये स्टेप इग्नोर करने के बाद ही उनकी बांसुरी नहीं बज पाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे आवाज़ निकालें, और उसमें ये ध्यान रखना है कि ये एक्टिविटी सिर्फ एक दिन की नहीं है, कम से कम 4 से 5 दिन इसी एक्टिविटी को देना है। अगर आप फिंगर्स में चले गए तो आपसे कभी फ्लूट नहीं बजेगी। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आवाज़ निकालिए बस यहाँ चले जाते हैं, फिर परेशान रहते हैं आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जब तक आपकी यहाँ पर रिफाइन नहीं होगी आवाज़ और वो 10 से 12 सेकंड या 15 सेकंड तक सस्टेन नहीं करेगी तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो उसका पहला स्टेप क्या है कि कैसे हम इसको आवाज़ निकालें, और ये सबके लिए डिफरेंटली होता है, क्योंकि देखो मेरे लिप का साइज़ जो है वो थोड़ा सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत किसी के छोटे भी होते हैं। तो रखना कैसे है, किसी का बहुत बड़ा लिप है तो उसको थोड़ा लिप में ही रखनी पड़ेगी, नीचे रखेंगे तो छुप जाएगा। तो ये कोई टीचर ही आपको बता पाएगा बेसिक, अगर आपको करना भी है तो। जो लोग में ये डाउट रहता है कि हमारी आवाज़ नहीं आ रही जल्दी, वो किसी का एक दिन लग सकती है प्रोसेस में, किसी की 5 दिन लग सकती है, किसी का 1 घंटे में आ जाएगी अच्छी, पर वो सस्टेन करने के लिए टाइम चाहिए 10 सेकेंड 15 सेकेंड। तो स्टेप मैं आपको सिंपली बताता हूँ, जिससे हम क्या कहते हैं एक एक स्टेप को अच्छे से जान पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कैसा स्टेप है। बहुत इजी स्टेप है, ये एक स्वीट पॉइंट डेवलप करना है, और वो स्वीट पॉइंट हर समय एक ही जगह होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको चेंज करेंगे बार बार तो फिर वही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसमें आप 3 से 4 दिन लगाइए, अगर कोई 1 हफ्ता लगाएगा तो और अच्छा है, और इसको 15 सेकेंड तक मेनटेन करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने ये बीच में रखने की कोशिश करी और ये देखा कि नाक के सीध में होल आ रहा है नहीं आ रहा है, और लिप के नीचे होना चाहिए, चिन में प्लेस होना चाहिए। ये ना हो कि आप क्या कहते हैं यहाँ ऊपर रख लें, और क्या कहते हैं कभी यहाँ रख लें कभी यहाँ रख लें, तो कभी नहीं होगा। एक बार आपने स्वीट पॉइंट ढूंढना है, वो कैसे ढूंढोगे, या तो आप ऐसे करके घुमा लो, सीधे नाक के नीचे आना चाहिए होल, बहुत सिंपल है स्टेप है। चिन में लगी होगी आपकी फ्लूट, ये चिन में लगी होगी, और ये दबाना है यहाँ से। अगर आप क्या कहते हैं इसको हल्का छोड़ेंगे तो हिलेगा, लिप में नहीं होना चाहिए। अब किसी का लिप का साइज़ बड़ा है तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होगी कि वो छुप जाएगा यहाँ से, तो उसको दिक्कत आएगी। तो उसको क्या करना है कि लिप के ऊपर रखना है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रखना है, और या तो उसको थोड़ा सा ऐसे उठा लेना है। तो ये आपको कहीं लाइव सेशन या किसी टीचर से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम। तो सिंपल है, या तो आप ऐसे घुमा लें बीचों बीच और उसका ऐसे रख लें, ना ये कोई ज़्यादा बाहर होगा ना ये कोई ज़्यादा अंदर होगा, ये सीधे होना चाहिए, सीधा फ्लूट, ना ऐसे बाहर ना ऐसे अंदर। तो आप देखें यहाँ पर ये किया और मैंने ये चेक किया तो सीधे आ रहा है, फिर आराम से फूंक किया, तो पहले दिन इतनी साफ़ आवाज़ नहीं आएगी, पहले आपके ये सब होगा आपके साथ। तो आपको करना क्या है, हर बार एक डीप ब्रेथ लेके, और जितनी लंबी कर सके उतना अच्छा है, 10 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड, और एक जैसी होनी चाहिए। पहले ऐसे होगी हिलेगा, उसके बाद एक सॉफ्टनेस आएगी उसमें, एक जैसा रहेगा, सस्टेन करना है उसको। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसी में सबसे ज़्यादा लोग जल्दीबाजी करते हैं। ये आपको 3 से लेकर 1 हफ्ते का रूटीन बनाना है कि ये 15-20 मिनट करना है, और 1 घंटा लगातार नहीं बैठना है आपको। जो भी बिगनर्स हैं उसके लिए 20 मिनट सुबह बैठ जाओ, दिन में बैठ जाओ, या इवनिंग बैठ जाओ, या आधा घंटा सुबह भी करोगे तो ये हो जाएगा, पर 7 दिन दो इसको। और अगर आवाज़ नहीं आ रही तो ये परेशान नहीं होना है, ये और ये सब कुछ नहीं करना है आपको, करना वहीं पर है वो स्वीट पॉइंट डेवलप वहीं करना है। और फूंक मारने का तरीका आपको बता दूँ, ओ नहीं बनाना है, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जितनी आप मुंह खोलेंगे उतनी बाहर आपकी जो फूंक होगी वो क्या कहते हैं एक जगह प्रिसाइज नहीं हो पाएगी, फैल जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस ये जो लिप्स हैं इनको बंद करना है, और कम जगह से आवाज़ निकाल के इधर मारने की कोशिश करनी है, कुछ बाहर जाएगी कुछ अंदर जाएगी, ये मत सोचिए कि बाहर नहीं जाएगी, बाहर भी जाएगी और कुछ अंदर जाएगी, फिर ये रुट करके एक वर्लपूल बनता है जिससे आवाज़ निकलती है। आप अगर सोचें इसके अंदर डाल दो कभी नहीं आएगी, तो हमें कुछ बाहर जाती है कुछ अंदर जाती है। तो ये स्टेप इजी है पर रोज़ करना है। अब क्या करते हैं लोग, यहाँ पर एक बार फूंक आ गई ऐसा करा, अब यहाँ पहुँच गया कभी नहीं आएगा यहाँ तक, पहले यहाँ की आवाज़ डेवलप करेंगे तब यहाँ की आवाज़ डेवलप होगी। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपको क्या करना है कि 1 हफ्ता कम से कम इसको देना है,
तभी ये क्या कहते हैं प्रिसाइज और लंबा हो पाएगा। और आधा घंटा रोज़ उसको देना है। अब एक हफ्ता आप कर रहे हैं, आपने 2 मिनट दिया, 10 मिनट तो कोई मतलब नहीं है, कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट या 15 मिनट्स के 3 बार, वो ज़्यादा बेटर होता है। सांस ली हर बार, जितना लंबा आप कर सकें। तो ये बहुत इजी स्टेप है, पर इस पर पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए। तो आगे की और वीडियोस में आपके लिए लाऊंगा। ये सिंपल स्टेप को आप 7 दिन कीजिए, आपको ज़रूर आवाज़ निकलेगी। और नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो किसी टीचर से कंसल्ट ज़रूर करो, क्योंकि ये अगर प्राइमरी स्टेप बिगड़ गया तो वो फिर आगे बहुत दिक्कत आएंगी आपको फ्लूट बजाने में।